उपराजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन पर बने कोयला रैक हटाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे रसिकपुर वासियों में आक्रोश है। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे रविशंकर मंडल ने चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रविवार को धरना प्रदर्शन कुछ समय के लिए टाल दिया। हालांकि धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने मीडिया को बताया कि विरोध जारी रहेगा। मंडल ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन हो या फिर सांसद विधायक कोई भी गंभीर नहीं है, जिससे आक्रोशित होकर रसिकपुर वासियों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा सांसद ने खुद इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि कोयला रैक के कारण दुमका वासियों को आने वाले समय में टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होना होगा, लेकिन स्थानीय सांसद और विधायक को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर भी आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि 1.5 महीने पहले ही यहां शिविर लगाकर जांच के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन विभाग का रवैया भी नकारात्मक ही है, जिससे यहां की जनता आक्रोशित है। देखिए, हम लोग तो बहुत ही दिनों से लगे हुए हैं इसमें और जिला प्रशासन, यहाँ के सांसद विधायक सभी से हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि आइए हम लोग का समस्या देखिए, हम लोग यहाँ पे बहुत पीड़ित हैं, हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग का आज आचार संहिता के कारण हम लोग धरना भी अब नहीं दे रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ से कोयला रैक हटा के किसी दूसरे जगह स्थानांतरित कीजिए, क्योंकि आप खुद सुन सकते हैं कि देखिए कि गोड्डा के सांसद जी खुद बोल रहे हैं कि दुमका रेलवे स्टेशन के बारे में आप सुने ही कि देखिए, जैसे खुद निशिकांत जी बोल रहे हैं कि दुमका में जो भी रेलवे स्टेशन के आसपास हैं वो टीबी होना है, कैंसर होना है, तो सोचिए कि जी हम 1.5 महीना पहले आवेदन दिए हैं और अभी तक स्वास्थ्य विभाग कोई भी संज्ञान नहीं लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुमका वासी मरे या जिए, इससे जिला प्रशासन या सांसद विधायक को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग एक चीज़ अब डिसाइड किए हैं कि आने वाला चुनाव में हम लोग भी यहाँ पे वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे रसिकपुर का आदमी। हम लोग न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।